जय नमोस्तु तं च नन्दयानन्द चे निनन्दशा परमतपद्वेन्द्रिपेधिशोभा गुरुवेशी गोपतिरु गोपतिज्ञानसहिका तारणतरण समर्थमुनि गुरु संसार निहा धर्म चित्त उछिन्ने वरि अरिथ ति अरिथ हे जो भय विनाशय भव जो ममलि ज्ञान पर ल देखो गुरु को धर्म को साची को वरमानु श्री चौबीस 24ठां केन्द्रची व उवन् वन् विन्दे विन्दे भवेन् विज्ञानं विनीयं स्वयम् उत्पान्नं नन्तानन्ति स्वयं च सूर्यम् शुद्धं च शोधात्मेनम् ुविनमिवनिस्वभाव मनसि ममिलम् मै मूर्तिज्ञानं लोकालोकि स्वयं सुरं च सूर्यम् सुन्द सहावं सुरम् बोलिए आचार्य प्रभ चतुर्भ संत तारण परम लाचार्य महाराज की जय हो जय हो जय एक साथ मंदोच्चरण करेंगे नमः भवन सिद्धे नमो

महाजनवाणी गुरु श्रीम तारण स्वामी और सर्व भगवान की अमृत में जहाँ श्रीम स्वामी हम सभी जीवों को कल्याण का मार्ग दे रहे हैं और अपना जो वर्तमान में विषय चल रहा है वह पारमार्थिक विषय अपने अनुभव अपने ज्ञान भाव की प्राप्ति करने का भी क्या हो गया हमारे क्या गलती हो गई तो भैया जी निकले नहीं आप निश्चिंत ठीक, ठीक है भैया जी तो जय तार जो अंतर अनुभव पारमार्थिक आत्मा का ज्ञान मार्ग है अपने अंतर अनुभूति का मार्ग है उसे दर्शा रहा है, और जो प्रसंग चल रहा है वो बहुत सावधानी का है भैया क्योंकि नर्क से डर लगता है ये तो अपने को पता है कि नर्क में जाएंगे तो दुख भोगेंगे क्या बोलते हैं मनुष्य गति प्राप्त करने से भी डर लगता है भैया क्यों अब मनुष्य गति में भी पुण्य हुआ या नहीं हुआ सुख सुविधाएं हुई या नहीं हुई डर लगता है कि भैया मनुष्य गति प्राप्त करी धन दौलत पुत्र परिवार कुटुंब कबीला नहीं हुआ तो कैसे जीवन चलेगा और नर्क त्रियंश गति से तो सब भयभीत है अनेक, अनेक दुख, दुख है भैया तो वाकी गतियों में तो आपको और हमें दुख भय महसूस होता है लेकिन देव गति के नाम से सब प्रसन्न रहते हैं सब क्या बोलते हैं देव गति के नाम से सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है क्यों आ जाती है भैया क्योंकि पता है कि आकुलता से रहित जीवन व्यतीत बेति, बेति, होना जितने समय अपन महा रहेंगे उतने समय ए, क्या बोलते हैं इंद्रियों की पीड़ा रूप वो भाव तो नहीं होंगे तो अशुभ तो नहीं होंगी देवों की ले तो शुभ होनी होनी लेकिन जब अपन पंख पृथ्वी की बात करते हैं खर पृथ्वी की बात करते हैं अपन नीचे की पृथ्वियों की बात करते हैं <coughs> जब अपने को ये समझ में आता है कि आ, ये अपनी अज्ञान सहित किए हुए व्रत अज्ञान सहित किए हुए तप अज्ञान सहित किए हुए संयम इन सब का फल अपने को तब समझ में आता है तो अपन पंख पृथ्वी पढ़ा है ये क्या खोला दी आपने पंख पृथ्वी खोल दो आप उसके सूत्र तो पेज नंबर भैया जी। पेज नंबर तो तो आगे है अब भाई आज आरजू दीदी उपस्थित थे मतलब रोज हो रहे हैं मगर थोड़ी व्यस्तता के कारण ठीक है आरजू दीदी तो पंख पृथ्वी का अपना हाँ ये पंख पृथ्वी इसके बाद पड़ा चले जाओ ठीक हाँ। है बस ऊपर के सूत्र घूम हाँ। कर दीजिए बस ठीक चल चे, अपना ये जो मार्ग है अपने को देव गति के नाम से अभी तक अपन सोचते हैं भैया देव गति प्राप्त कर लो गति में तो आनंद है कोई दुख नहीं है देव गति में तो कोई आकुलता नहीं है लेकिन यदि देव गति भी, तुमने बांध ली, तो भी, महा भी दुखों को पड़ेगा दीदी अपना दी, म्यूट कर लो आप अर्जु दीदी तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि यदि तुमने अज्ञान भाव सहित व्रत करके तप करके नियम करके क्रिया करके यदि देव गति भी प्राप्त कर ली तो तुम्हें आकुलता ही भोगनी पड़ेगी ये बहुत बड़ी बात है भैया क्यों है भैया देखो तो काल से हम कहते हैं ना लोग बात ये तर्क करते हैं हमेशा कि भैया हमसे तो अच्छे नियम कर रहे हैं हमसे तो अच्छे व्रत कर रहे हैं हमसे तो अच्छे संयम धारण कर रहे हैं हमसे तो अच्छे क्या कहने लगे भैया मंदिर जा रहे हैं हमसे तो अच्छे कि ना सोलह का भोजन कर रहा है सोला कर रहा है कि ना हमसे तो अच्छे क्यों क्यों हमसे क्यों अच्छे क्योंकि हम तो पापी हैं भैया हम तो दुकान चला रहे हैं क्या भोजन बना रहे हैं घर में और कहना भैया नाना प्रकार की दुकान और बाहरी व्यवहारिक क्रियाओं में लगे हैं लेकिन ये जो बाहर दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कुलिंगी भी कहते हैं और नाना प्रकार के भेष धारण करने वाले नाना प्रकार से क्रियाएं करने वाले व्रत करने वाले नियम करने वाले संयम करने वाले ये अपने को नाना प्रकार के जीव दिखाई देते हैं ना तो अपन क्या कहते हैं भैया हमसे तो अच्छे अः है ना हमसे तो सही है भैया हमसे तो बढ़िया सदाचारी जीवन वाले सदाचार जीवन की अपेक्षा से कहते हैं अपन आप और हम सदाचार जीवन की अपेक्षा सापेक्ष कह देते हैं कि हमसे तो अच्छे लेकिन उन्हें देख के अपन दे समझते हैं कि वे धर्मात्मा है और अपने को देख के अपन ऐसा ऐसा लगता है कि हम तो जैसे कि निगोदीय जीवी हैं जैसे कि हम तो पापी हैं जैसे कि हमारे जीवन में तो संयम का या फिर हमारे जीवन में सम्यक्त का अंश ही नहीं उन्हें देख के अपने को कितना बहुमान आता और कैसा लगता है कि देखो कितना अच्छा जीवन है इनका और अपने जीवन को देख के कि कैसी गिलानी होती है कैसा धितकार आता ऐसा लगता है कैसा पापों में जीवन है वो सदाचार की अपेक्षा व्यवहार की अपेक्षा से है लेकिन यहाँ देखो ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है मतलब आचार्यारण स्वामी यहाँ जो बात कहना चाहते हैं कि ज्ञान मार्ग अपनी कल्पनाओं से नहीं जिन उत्तम जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से चलता है ज्ञान मार्ग बाहर की व्यवहारिकता से नहीं चलता सांसारिक सांसारिक व्यवहार से ज्ञान मार्ग का कोई संबंध नहीं है फिर फिर भैया ज्ञान मार्ग चलता है अंतर आत्मा की निष्ठा से भैया ज्ञान मार्ग क्या है भैया जिनेन्द्र भगवान के जिन उत्तम जिनेन्द्र भगवान के वचनों को प्राप्त कर लेना ही ज्ञान का मार्ग है। जिन भगवान के वचनों के अनुसार जिन पद अपने वीतराग पद को अनुभव कर लेना ही ज्ञान का मार्ग देखो आप और हम क्या कहते हैं भैया दिन रात क्या कहते हैं भैया अपने आत्मा को देखो स्वभाव को स्वीकार करो जिन उत्तम क्यों क्योंकि सर्व भगवान ने कहा है क्या कि ये संसार में जितना भी पर्याय भाव है परिणमन भाव है ये सब क्षणंगुर है विनाशी के नाशवान है आप और हम को कितना रख के मोक्ष मार्ग को यदि आपको प्राप्त करना है तो जिने भगवान की वाणी को सामने रख के आगे बढ़ना पड़ेगा क्यों 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 क्योंकि ये सारा संसार तो क्रियाओं के अंधकार में डूबा हुआ है कैसे क्रियाओं के अंधकार में डूबा है भैया ये जगत तो वाहरिक शारीरिक क्रिया को मोक्ष का मार्ग मानता है ये जीप तो मन वचन काय के योगों की चपलता को मोक्ष का मार्ग मानता है ना उसे मोक्ष का मार्ग मानते हुए आप देखो अः अनेक जगह पे अनेक स्थानों पे आप जाके देखोगे तो क्या होगा अः वहां आपको जीव बहुत गहरा गहरा ध्यान लगाते हुए मिलेंगे जैसे ब्रह्म कुमार आदि वगैरह के आश्रम है ओशो आदि केंद्र है और आजकल ध्यान के लिए ध्यान के लिए आत्म शांति के लिए काउंसलिंग वगैरह के लिए आज के टाइम आपको बहुत स्कोप है अध्यात्म के नाम पे आज के टाइम संसार में बहुत स्कोप है भाई और आत्मा को सामने रख के ही स्कोप है सब आत्मा के ध्यान में पहुंचना चाहते हैं सब ब्रह्म की अनुभूति करना चाहते हैं सब ब्रह्म को स्वीकार करना चाहते हैं और आप और हम क्या अभ्यास करेंगे तीन तीन चार चार घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं और ध्यान की गहरी गहरी अनुभूतियों को बोलते हैं लेकिन एक बात बताओ भगवान आत्मा सावधान जीवात्मा जिन उत्तम क्या जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को स्वीकार किए बिना क्या वस्तु के स्वभाव को यथार्थ जाने बिना या क्या अपने तत्व का यथार्थ निर्णय किए बिना क्या वो कुछ भी सम्यक हो सकता है चाहे नियम ले लो चाहे व्रत ले लो चाहे संयम कर लो चाहे उपवास कर लो चाहे दया कर लो चाहे दान कर लो चाहे परोपकार कर लो चाहे सदाचार कर लो चाहे आत्मा का ध्यान लगा लो मन की शांति प्राप्त कर लो जड़ता रूप आप जो करना चाहे वो कर लो लोग कहते हैं हम सुन्न में पहुंच जाते हैं अब यह हम ध्यान लगाते लगाते सुन्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं हमने पूछा सुन्न है क्या ये तो पता जहां कुछ बोध नहीं रहता कुछ पता नहीं रहता एकदम बिल्कुल मैंने कहा भगवान जी आत्मा खाली थोड़ी ना है सुनने का मतलब है निर्विकल आनंद रहता रहता। हाँ, चलते हुए नहीं दिखाई देते अरे विकल्प चलते हुए नहीं दिखाई देने का नाम निर्विकल्प समाधि थोड़ी ना है भगवान जी शून्यता थोड़ी ना अच्छा हाँ अभी जीव को सम्यक ज्ञान का उदय नहीं है लोग बहुत भ्रमित है ध्यान के नाम पे और नाना प्रकार की क्रियाओं के नाम पे लोगों के अंदर बहुत भ्रम है आप ये बताओ क्या बिना सम्यक ज्ञान के अंतरात्मा का ध्यान हो सकता बिना वस्तु स्वभाव का निर्णय किए कोई उस अंतरात्मा को अनुभव कर सकता है और यदि ऐसा ही होना संभव होता यदि वस्तु स्वभाव को जाने बिना ही यदि आत्मा को प्राप्त करना यदि संभव होता तो जीवात्मा श्रद्धान की इतनी महिमा क्यों कही जाती श्रद्धान को मोक्ष मार्ग क्यों कहा जाता तत्व श्रद्धान के बिना किसी भी प्रकार से आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता और कोई विधि नहीं है भाई ये बात आप अनुभव प्रमाण स्वीकार करो अब यहाँ तर्क आते हैं क्या तर्क आते हैं कि भाई नार की जीव को कौन सा श्रद्धान होता है सातवें नर्क में नार की जीव जब वेदना के निमित्त से अपने अंतर आत्मा का अनुभव कर लेता है कि मैं इस वेदना से भिन्न आत्मा हूं तब उसे तब उसे कौन सा श्रद्धान रहता है भगवान जी जब उसे ये श्रद्धान होता है कि मैं आत्मा हूं ये श्रद्धान होता है और सुनो नरकों में ग्रहित मिथ्या जैसी कोई चीज नहीं मिथ्या मान्यता जैसी कोई चीज नहीं वहां ग्रहित मिथ्या जैसा कोई पोषण नहीं है इसलिए महासंभव है लेकिन यहाँ यदि कोई अन्य मति हो अन्यत्र बुद्धि वाला जीव हो और जिसकी मति सम्यक्त ना हो और वो कहे कि भैया हमें आत्मा की अनुभूति रूप ज्ञान है ध्यान है हम तो ध्यान कर रहा है साधना कर रहा है सामायिक कर रहा है तो इस सबको आचार्यों ने बाल तप कहा भाई बाल बाल तप का बाल नहीं बाल बाल तप और ये बाल बाल तप ये उप जाएगा पंख पृथ्वी में भाई ये पंख पृथ्वी आदि में जो जन्म है ना ये इन्हीं के हैं क्या क्या है देखो ये इस विषय को इतना हम इसलिए घिस रहे हैं आपको ऐसा लगेगा तो ये विषय घिस क्यों रहे हो इसलिए घिस रहा है कि हमारे अंतर में दूसरों को देख के दीनता ना आए दूसरों का ध्यान लग रहा है अन्य मती वाले कितने अच्छे रह रहे हैं कितना अच्छा बोल रहा है बड़े बड़े लंगर चल रहे हैं बड़ी बड़ी गौशालाएं खुल रही हैं बहुत सारे दान हो रहे हैं परोपकार की विधियां बहुत दिख रही हैं इन सबकी विराधना नहीं है अच्छा है परोपकार तो दया भाव तो मा, मानव मनुष्य होने की पहचान है भाई लेकिन हर मुक्ति को प्राप्त करेगा ये संभव नहीं है हर मानव मुक्ति के द्वार पर जाएगा संभव नहीं और आज यश कीर्ति नाम बैभाव दिखावे के लिए जो कुछ हो रहा है वो तो वैसे अशुभ आश्रो का कारण है आज मायाचारी पूर्वक ऊंची उच, भूमिका को ग्रहण करके आज जो नीचा अज्ञान आचरण हो रहा है वो तो नियम से नरक गति का आश्रव कारण है नियम से नरक गति बनती और दूसरी गति नहीं बनती यदि आपने जो व्रत लिए हैं संयम लिए हैं आपकी जो भूमिका है यदि वो जिन उक्त भगवान के वचनों के अनुसार नहीं है जिन पद अपने वीतराग तत्व के अनुभव अनुरूप नहीं है और अपने पद का लोपन करके यदि आप आचरण के साथ अशुभ आचरण के साथ यदि प्रमादी जीव है और अपने व्रतों में दोष लगा रहा है तो नियम से नरक गति का बंध होता है नियम से और नियम से पूरे समय नरक गति बनी जितने समय वो व्रतों की व्रादना करेगा कंटिन्यू नरक गति का आश्रय होगा अपने व्रतों की व्रादना करना निरंतर निरंतर आ, आ, नीच गति का आश्रय कारण है इसलिए बहुत सावधान होने की बात है यहाँ बाल अवस्था -बाल करके पंख पृथ्वी में यदि देव इसने मेरे को चला क्या कर निकल गया उर्मिला जी उर्मिला जैन आप यहां से भी म्यूट करें चलिए तो अपने को यहां अपनी अंतर बात समझना अपने स्वभाव को समझना है क्या समझना है कि अपना स्वभाव अपने को स्वीकार हो स्वभाव स्वीकार होगा तब आत्म अनुभूति बनेगी क्या करना है भगवान जी अनुभूति का मार्ग बनाओ अपने अंतर में तत्व की पहचान करो भगवान जी बाल बाल तब से बचो अब तो अब तो सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करो रे भव्य आत्मा अब तो अपनी चेतना जगा लो देखो ऐसा अभूतपूर्व अवसर जीवन में बार बार मिल जाए ऐसा संभव नहीं सलाह जी बैठे से जब भी उन कुछ भी कहो उन्हें स्वभाव का पक्ष होता है सही बात है होना चाहिए तो स्वभाव का पक्ष अनिवार्य इसलिए है क्योंकि अनादि काल से जीव आत्मा पर्याय का पक्ष करके तो तूने बहुत अनंत अन परिभ्रमण करा स्वभाव का पक्ष अरे मतलब 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 अरे जिन कुल को प्राप्त करने का अंतर में महिमा वादन तो अप, अपने जीवन में होने चाहिए जनेन्द्र भगवान के सिद्धांत भगवान आत्मा ये जो उपदेश सुनते हैं ना ये जनेन्द्र परमात्मा के सिद्धांतों को सुनना भी दुर्गम है और इन्हें स्वीकार कर लेना और इनका अनुभव प्राप्त कर लेना ये दुर्लभ में दुर्लभ है जीवा तो आज इतनी लंबी कहानी हमने इसलिए गाई अन्य मत की चर्चा इसलिए करी या अन्य मत जीवों की चर्चा इसलिए करी या जो व्रत लेके बैठे हैं महाव्रती होके बैठे हैं महाव्रत लेने के बाद बाहरी प्रपंचों में लगे हैं धर्मशालाओं मंदिरों आदि की रचना में जिनका पूरा उपयोग लगा हुआ है बाहरी उपयोग बाहरी प्रपंच में ही जो व्रत दिखाई दे रहा है भैया वो अपने से अच्छे नहीं सदाचार की भूमिका से बाहर से आपको अच्छे दिखा रहे हो अंतर में छल कपट मायाचारी के परिणाम से वो अपने से भी निम्न है भैया अपने से भी ए, अपने अपनी भूमिका से भी नीचे है क्यों क्योंकि आप और हम तत्व का श्रद्धान करने से अदेव कुदेव और मिथ्यादेव की मान्यता छोड़ने से आप और हम सम्यक्ति हैं और वह जीव जो व्रतों की आराधना में लगे हुए हैं सम्यक्त की आराधना में लगे हुए हैं तत्व को गुण करके बैठे हैं वह जीव आवृत सम्यक दृष्टि बिना होने से कुपात्र अपात्र तो मिथ्या पात्र है और ये तीनों ही हमारे लिए किसी प्रकार से ना बंदनी है ना पूजनी है ना हमारे आराध्य है हमारे आराध्य तो सच्चे देव गुरु धर्म के अलावा और कुछ है ही नहीं अब आपको ये बात यदि समझ में आई हो तो आपके पंख पृथ्वी आदि का ये निरूपण समझ में आएगा क्या है ये आचार्य तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं क्यों कह रहा है इतना खुला खुला इतना खुलासा करके क्यों कह रहा है बार बार क्यों कह रहा है कि हे जीव सर्वज्ञ देव के वचनों को इतना हाईलाइट क्यों कर रहा है क्योंकि तो इनके बिना मोक्ष मार्ग ज्ञान का मार्ग नहीं खुलता सर्वज्ञ देव की वाणी को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है क्यों बार बार जब कह रहे हैं अपन कि सर्वज्ञ भी मेरा कल्याण नहीं कर सकते सर्वज्ञ भी मुझे मुक्ति नहीं दिला सकते सर्वज्ञ भी ए, मेरे को मोक्ष नहीं ले आ सकते सम्यक दर्शन का अनुभव नहीं करा सकते जब बार बार ये कह रहे हैं तो फिर जिनेन्द्र भगवान के बचनों को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो जब वो देव वो मेरा कल्याण नहीं कर सकते तो उन देव के, के इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो एक बात याद रखना जीव आत्मा, वो जीवन देव तेरा कल्याण तो नहीं कर सकते लेकिन जिनेन्द्र देव के बचनों का श्रद्धान किए बिना इस ब्रह्मांड में किसी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता इसलिए नियम से परंपरा से जिन मार्ग मोक्ष मार्ग ही वास्तव में यही है जैन धर्म कहने के, में आता है ना, जैन धर्म नाम रख दिया गया है तारण पंथ नाम रख दिया गया है वैसे यथार्थ में मोक्ष मार्ग तो मात्र आत्मार्थी जीवों के लिए जो अपना कल्याण चाहते हैं जो सर्वज्ञ की आज्ञा को स्वीकार करते हैं उन्हीं के लिए मोक्ष मार्ग कहा गया अन्य के लिए है ही नहीं भगवान आत्मा आप उदाहरण पढ़ते हैं भैया गौतम बुद्ध अब गौतम बुद्ध छोड़ा अच्छा भगवान महावीर के सम्मोषण में गौतम गड़धर जब तक गौतम गड़धर नहीं थे तब तक मोक्ष मार्ग नहीं थे मिथ्या थे थे के पोषक थे अन्य मत को मानने वाले थे लेकिन पूर्व भाव की अनुबोधना और पूर्व भाव का पुरुषाद पड़ा हुआ था होनार जगी भगवान के समोषण में गए मती सम्यक्त हुई जनेन्द्र देव के शासन को स्वीकार किया करा कहाँ छोटे छयोपम छे, बुद्धि ज्ञान में अहंकार में अकड़े हुए थे और कहा भगवान की वाणी को स्वीकार करके ही करते ही भावलिंगी संत होके चार र, 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 चार ज्ञान के धारी चारों ज्ञान झटपट उत्पन्न हो गए रीतराग धर्म की शरण में आए और समीचीन ज्ञान का जागरण हुआ भाई याद रखना जितना भी धर्म ध्यान का विषय है ना याद रखो आप हमेशा इस बात का निर्णय करो जितना भी संयम है ना जितना भी धर्म ध्यान का विषय है ना वो सब कुछ सम्यक ज्ञान के आश्रय से है और तारण स्वामी के ग्रंथों में जिन भगवान के वचनों की महिमा इतनी अधिक इसलिए है क्योंकि भगवान की वाणी ही सम्यक ज्ञान का करने वाली अर्थात ये शब्द ये शब्द ज्ञान को प्रकट करने वाले आत्मज्ञान का बोध कराने वाले हैं प्रियोजनी ज्ञान को प्राप्त कराने वाले हैं ये भगवान की वाणी के शब्द ये आत्मज्ञान का सहकार कराते हैं और जिन पद अनाधिकाल से जिस वीतराग तत्व को जिस पद को ये भव्य जी भूला हुआ है उस पद को अंतर अनुभूति का अपनी अंतर ज्ञान धारा का विषय बनाते हुए जिन अक्षर देखो देखो लिख दिया उन्होंने देखो जिन अक्षर जिन स्वर जिन स्वर्रमण जिन विज्ञान जिन पद जिन शब्द बार बार क्यों कहते हैं ताराण स्वामी ये भगवान के भगवान की वाणी में आए हुए शब्द ये अक्षर अपना अक्षय स्वभाव है भाई क्यों कहते जिन ये भगवान की देवध्वनि में खड़ने वाले स्वर ये अक्षर स्वर ये स्वर आत्म सुरति का प्रकाश करने वाले हैं तुझे बताने वाले हैं कि इन घातीय आघातीय कर्मों के बीच में रहता हुआ भी तू आत्मा सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के समान व्याप्त केवल ज्ञान में अनंत चतुष्ट शक्ति का धारी तू स्वयं परमात्मा है सुर ये जिन भगवान के वचन आत्मा की वीतराग स्वभाव की सुरती वो जगाते हैं सुरती जागती है भैया क्या सुरत जागती है ये सुभाव। ये रहा मेरा अक्षर ये स्वर क्या रहा ये स्वर भगवान की वाणी का अरे सूर समान प्रकाशवान मेरा आत्मा ऐसे आत्म तत्का बोध जगाते हैं भैया जिन विन्यान ये अक्षर ये शब्द ये क्या करते हैं ये जिन विन्यान वीत के विज्ञान को प्रकट कराते इसलिए इसलिए जिन वचनों की इतनी महिमा कही जाती देखो क्या लिखा है पढ़ो तो भगवान आत्मा महिमा तो करो ये भगवान की उत्पन्न हुई कंठ कमल की वाणी जो निरक्षर है, अनक्षर है ओंकार में ध्वनि के रूप में है और वर्तमान में अक्षर स्वर के रूप में हमें प्राप्त हुई है जिन विज्ञान ये क्या कराती है ये वाणी इस शरीर से भिन्न मैं आत्मा परमात्मा शुद्ध आत्मा ही हूं ऐसे वीतराग विज्ञान को अनुभव से प्रकट कराती भगवान जहां जीव के अंतर में ऐसी महिमा जागती कि हाँ हे 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 हे, हे मेरा अनंत चतुष्टय में परम परम पद परमात्मा मेरे अंतर में है जिन विज्ञान ऐसे वीतराग विज्ञान का अनुभव जिन पद और काय का बोध कराती है अपने वीतराग पद का भाई, देखो तो अनुभूति में जानने में आना चाहिए जिन पद पद अपना स्वयं का वीतराग पद भी कहाँ है जिन शब्द भगवान की दिव्य ध्वनि में ये भगवान के वचनों को सुन रहे हो भगवान के ये वचन ये उस अशब्द आत्म जो अनंत चतुष्ट में स्वभाव है ना उसका अनुभव कराने वाले हैं जिन पद से मिलाने वाले हैं ये भगवान के पद अक्षर स्वर व्यंजन ये शब्द क्या कराने वाले हैं अपने तत्व की प्रभुता को जागरण कराने वाले आप स्वयं अपनी अंतरात्मा से पूछो यदि ये, ये भगवान की नहीं सुनी होती तो मैं इस स्त्री पर्याय से या इस पुरुष पर्याय से भिन्न त्रकाली गायक तत्व भगवान आत्मा हूं ऐसा बहुमान कहाँ आता किस हृदय में जन्म लेता यदि भगवान की ये देवध्वनि आपको और मुझे स्वीकार नहीं हुई होती या भगवान की देवध्वनि में आया हुआ वस्तु का स्वभाव या अपने अंतर आत्मा की महिमा यदि मेरे हृदय में स्वीकार नहीं होती तो कौन इन पर्यायों से पार अपने त्रकाली आत्मा में गर्जना कर पाता कि मैं सिद्ध समान आत्मा हूँ मुझे इन पर्यायों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता पर्याय आती है चली जाती है परिणाम होता है गुजर जाता है अनंत कर्म आए बंधे और गुजर गए लेकिन भगवान जी मेरा त्रकालिक स्वभाव तो शाश्वत ध्रुव अटल और अविनाशी है तो, तो अनादि काल से मिथ्यात की धारा बंधी हुई थी बंधी हुई थी अब गुजर गई बीत गई कि नहीं बीत गई आज सम्यक मुझे स्वीकार हो रहा है तो तो कर्म कर्म नाशवान है 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 जब जैसा नष्ट हो सकता तो फिर बाकी कर्मों में कितनी सबसे बड़ा कर्म यदि आपने वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके यदि दर्शन मोहिनी को तोड़ दिया मिथ्यात रूपी कर्म को तोड़ दिया यानी मिथ्यात का खंडन कर दिया तो बाकी कुछ और बचता ही नहीं है ये है संसार में भैया यदि आपने मिथ्यात का ही नाश कर दिया तो अन्य कोई विकल्प आपके लिए है ही नहीं यदि मिथ्यात को ही नाश कर दिया मिथ्यात को मिटा दिया तो फिर अन्य की कोई बात है ही नहीं भाई पिछली बात तो माँ यदि मिथ्यात है तो फिर अनंत अनंत संसार सोचो 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 इस मनुष्य भाव में अरे महिमा कर लो रे तुमने जैन भगवान की वाणी को अक्षर स्वर पद व्यंजन से अपने वीतराग तत्व के विज्ञान को शब्द से शब्दतीत आत्मा को अनुभव कर लिया तो आपने इस भाव में सबसे जटिल कर्म को जीत लिया जैसे जीतना आज तक संभव नहीं हुआ था यह भगवान की वाणी का अनंत वीर जो अनंत काल से मूर्छावान इस अज्ञानी जीव को भी सम्यक्त के वीर से संपन्न करा देता सम्यक्त की शक्ति का जागरण करा देता अनाधि काल से मूर्छित इस चेतना को भी मूर्छा से उठा देता है और क्या कराता है कि अंतरवीर जिसकी शक्ति है पुरुषार्थ है उसका जागरण करा देता है भगवान की वाणी की महिमा कितनी महिमा है जी, जी मत करो ऊपर अभी वही सूत्र पूरे नहीं हुए आर्च दीदी अभी ऊपर वाले सूत्र रहेगा तो कितनी महिमा है अरे जी जी कहाँ बदल रहा है ऊपर वाला जो पहले का पैराग्राफ चल रहा था तो हाँ यही ठीक 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 ओके ओके सॉरी हमारा ही वो आपने ऊपर कर था हमारा ही वो ज़ूम था इसलिए वो नहीं दिख रहा था ठीक तो क्या कह रहा है कि यहां क्या बात चल रही है कि अपने अंतर में जिन दृष्टि अरे देखो तो अपने विराग स्वभाव की दृष्टि से देख। देखो आ, देखो भैया देखो भैया दो आंखें बटन है अपने पास ये दो आंखों के निमित्त से मति और शुद्ध ज्ञान होता है निमित्त है ये क्योंकि इंद्रिय और मन के निमित से मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान और और मन के निमित्त से मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन के निमित से आपको ये सारा जगत दिखाई देता है ये आंखों के बटनों से इन बटनों से इन निमित्तों से परलंबन है ना इन देखो देखो बहुत अच्छी बात कह रहा है इन इंद्रियों के अवलंबन से क्या प्रकट होता है भैया इन इंद्रियों से पराश्रित ज्ञान उत्पन्न होता है पर्याय आश्रित ज्ञान उत्पन्न होता है पर देखो देखो इन इंद्रियों के अवलंबन से पराश्रित ज्ञान उत्पन्न होता है लेकिन यदि कोई जीव जिन्ह भगवान के वचनों का विश्वास कर ले या फिर ऐसा कहे कोई जीव अपने आत्म तत्व का विश्वास कर ले तो जीवात्मा आत्म तत्व के श्रद्धान होने से स्व आश्रित ज्ञान के प्रकटता होती देखो देखो आंखों से आप वस्तु को देखोगे पराश्रित छय ऑप्शन ज्ञानपन होगा कि यह वस्तु ऐसी है लाल है काली है पीली है हरी है लेकिन यदि आप आत्म आश्रित भगवान के वस्तु स्वरूप को जानते हो तत्त्व निर्णय को जानते हो या आत्मद्रव को जानते हो तो बोध होगा अरे देखो मेरी चेतना से भिन्न है पुद्गल है जड है उसका स्वभाव भाषित होगा और स्वभाव भाषित जो ज्ञान है वो आत्म अवलंबन से प्रकट होगा पर्याय भाषित जो ज्ञान है वो इंद्रिय अवलंबन अवलंबन से जागेगा भी और काल से जीव की भूल क्या है इंद्रिय आश्रित ज्ञान को ज्ञान मान लिया स्वभाव आश्रित ज्ञान को ज्ञान नहीं मान पाया जे ये अपने से महा अपराध हुआ है आंखों से दिखने को ज्ञान मान लिया कान से सुनने को ज्ञान मान लिया इंद्रियों से अनुभव जो हो रहा है उसे ज्ञान मान लिया ठंडी गर्मी भूख प्यास उसको ज्ञान मान लिया जबकि ये परिणाम है, है एकदम बाहरी परिणाम एक इसे अपन ने ज्ञान संज्ञा दे दी जबकि ये ज्ञान नहीं अज्ञान है कुज्ञान है मिथ्या ज्ञान है और जो आत्मा आश्रय से प्रकट होता है कि हाँ त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा जिसकी गर्जना मात्र से अनंत अनंत कर्म विना चाहते हैं जिन दृष्टि ऐसे से आत्म दृष्टा अपन कभी नहीं बने गायक स्वभाव की दृष्टि से अपन ने कभी देखा ही नहीं अपने को कभी भगवान की नजरें स्वीकार नहीं हुई केवल ज्ञानी के ज्ञान के में केवल ज्ञानी के ज्ञान के में केवल ज्ञानी के दर्शन में जैसा देखा जाना गया है उस दृष्टि से अपन ने कभी नहीं देखा भाई अंतरात्मा की दृष्टि खोल के कभी नहीं देखा और यदि हे जीवात्मा अंतर आत्मा की दृष्टि को यदि खोल के तू देखता तो तेरे संसार भोगों का स्वरूप अलग रोग शोक में दिखाई देता भगवान के नजरों में भगवान की नजरों से ही तू देखता तो तेरी नजरों में तेरा दिव्य स्वभाव ही दिखाई देता भगवान लेकिन जी बात तूने परमात्मा की नजरों से नहीं देखा तूने अज्ञान के ने, अज्ञान नेत्रों से देखा तो क्या हुआ भैया जिन भगवान के वचन अक्षर स्वर व्यंजन शब्द ये भगवान की वाणी खिरती रही तो बेचारा ये जीव अज्ञान मूड मती बन के बेचारा पागल देखो इत्ती, देखो, का ये से करें? जिनुक्त से क्या कहा जिनुक्त जिन्होंने भगवान ने कहा जिनपद अपना पद कैसे कहा अक्षर के रूप में स्वर के रूप में व्यंजन के रूप में केवल ज्ञान के विज्ञान के रूप में पद के रूप में शब्दों के रूप में आत्म स्वभाव की दृष्टि के रूप में भगवान ने उपदेश दिया है क्या उपदेश दिया है जिन क्या कहा है जिन समय क्या कहा है कि आत्मा तू तो वीतराग समय में है स्व समय परमात्मा है पर भाव से पर्याय भाव से परिणाम भाव से तेरा तो लेना देना ही नहीं जिन समय अर्थात शुद्ध समय आत्मा जिन समय आत्मा छे तो है वस्तु स्वभाव એટલે કે વસ્તુ સ્વભાવ ધમ્મો ક્યાં કે તું તો વીતરાગ સમય હે એક જન સમય મે પૂરા આગમ ખતમ હો જાય અનંત આચાર્યો કે ગ્રંથ ઉઠા લો પૂરા સમય સાર ઉઠા લો ઓર એક શબ્દ ઉઠા લો જન સમય બસ ખતમ ઇસમે પૂરા દવાસંગ આ જાયેગા ભાઈ સમય કેરિયા આત્મ કેરિયા અંતરાત્મ કેરિયા ઓર આગે જન લગા દિયા તો ફિર યે વાત સિદ્ધ હો જાતી હે કે યહી વીતરાગ હે बस और तो जहाँ वीतराग है वहां समुच्च सार है वहां संपूर्ण आगम है वहां संपूर्ण अनुभूति है कोई सा भी ग्रंथ उठा लो, संपूर्ण सार है जिन समय। आत्मा यदि आत्मा नहीं है तो सब ग्रंथ बेजान है यदि चेतना नहीं है तो सब मंदिर पत्थर है यदि दिव्य ध्वनि भगवान की दिव्य देशना ये जनवाणी का प्रसन नहीं है तो चारों तरफ अचेतन्यता के अलावा कुछ भी नहीं क्योंकि तो चैतन्य का करने वाली ये भगवान की अक्षर स्वर पद व्यंजन में ये भगवान की जो दिव्य है यही जिन समय ये अपने स्व समय का बोध कराती है कि देख जीवात्मा देख वर्तमान में भूत में और भविष्य में जो घट रहा है वो एक समय की अवस्था है वो काल द्रव का परिणाम है जो भूत वर्तमान भविष्य रूप है और उस काल द्रव के साथ छह द्रव्य जो परिणमन कर रहे हैं पुदगल का जो परिणमन दिखाई दे रहा है जीव की जो नाना प्रकार की विकारी पर्याय दिखाई दे रही है ये सब नाशवान है लेकिन जीवात्मा स्व समय आत्मा इन सारे पर्याय भाव से भिन्न शाश्वत है अखंड है अविनाशी है और ध्रुव है इस आत्मा की अनंत महिमा में कोई आवरण आने वाला नहीं क्यों क्योंकि जिन समय लेकिन विश्वास कर ले कोई इस बात का तो आज वो अनुभूति से संपन्न हो जाए जिनुक्त जिन भगवान कह रहा है मेरे, मेरी बात तो है ही नहीं तारण स्वामी की बात भी नहीं रही है तो ये तो जिन भगवान की बात है और जिन समय की बात है अपने स्व आत्मा के अनुभव की बात है और देखो फिर क्या प्रेरणा देखो प्रेरणा कैसे देते हैं तारण स्वामी की प्रेरणा देखो जिन परिणे देखो कोई जैसे छोटे से बच्चे को समझाता है ना कोई बड़े दुलार से वैसे ही ताराण स्वामी कहते हैं जिन समय अपना आत्मा वीतराग स्व समय में परमात्मा है जिन पर हे भव्यात्मा इस परमात्मा सत्ता रूप परिणति बनाओ ना इसी में परिणय करो ना इसी से पढ़ने रचाओ ना मुक्ति श्री को बधु मुक्ति तो परिणति से परिणय रचाओ ना यदि मुक्ति श्री वधु को घर लाना चाहते हो निज हृदय रूपी आंगन में मुक्ति श्री वधु का रसपान करना चाहते हो तो हे जीवात्मा जिन परण परिणति बनाओ ना कैसी भाव में, आत्मा में रंजायमान होती हुई ऐसी परम प्रकाश में ध्रुव परिणति बनाओ ना जिन परिणति जाए अपने निज के पास परिणय करने के लिए जिन स्वभाव के पास समय सार भगवान आत्मा के पास ऐसा भाव बनाओ ना जिससे सारा प्रकाश ही प्रकाश आपको अनुभव में आ आत्म अनुभूति के अलावा और कुछ दिखाई ना दे ऐसी परिणति बनाओ जिन समय और देखो देखो जिन परणे और देखो देखो, देखो जिन प्रमाण हे आत्मा ये सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान के वचन ही प्रमाण है।, है ये जनेन्द्र देव का उपदेश ही प्रमाण है भगवान की ध्वनि में जो आया है सम्यक ज्ञान यही प्रमाण है देखो जिनुक्त फिर जिनुक्त कह दिया आप देखो तो तारन स्वामी को क्या हो गया है जिनुक्त से प्रारंभ किया फिर पांच छह सूत्र का है फिर जिनुक्त कह दिया फिर झिनुक्त से प्रारंभ किया फिर चार सूत्र का है फिर जिनुक्त कह दिया क्रु महाराज ये जिनुक्त ये जिनुक्त अरे कह रहे अरे यदि तुम्हें चर्चा भी करना है तो ऐसे वीतराग स्वभाव की चर्चा करो भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को कहो भगवान की देवध्वनि का ही वांछन करो पठन करो पाठन करो चिंतन करो मनन करो क्यों क्योंकि जिन सहकार क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया हुआ आदेश ही चारित्र की रमणता को प्रकट करेगा चारित्र को स्वीकार कराएगा भगवान यदि भगवान की आज्ञा से विमुख चलोगे तो कभी चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती और भगवान की आज्ञा को प्रमाण करके नियम व्रत संयम और सदाचार ग्रहण करोगे तो चारित्र की प्राप्ति होगी और ऐसा चारित्र सम्यक चारित्र कहलाएगा और वो सम्यक चारित्र कभी पंग पदवी में जन्म नहीं लेने देगा जो चारित्र आज अपने जीवन में है ना सुवराग बाल तप वाला वो तो पंग पृथ्वी के लायक है और जो तारण समय या चारित्र कह रहा है वो सर्वाग सिद्धि जैसे विमानों में ले आने वाला है पांच अनुदिश नौ अनुत्तर वो पांच अनुत्तर नौ ग्रेवक यदि ऊपर ऊपर जाना है कल्पतीत वैमानिक देवों में कल्पातीत होना है जीवात्मा सम्यक चारित्र सही बिना सम्यक चारित्र के ग्रेवक अनुत्तर और अनुदिश विमानों की यात्रा नहीं हो सकती चारित्र से ही विमान प्राप्त होते क्या करना है सम्यक चारित होगा तो ऊपरी ऊपरी कौन कौन से ना अनुत्तर और भैया चारित्र में कचास रही तो नौवे क्या करना है हे जी बात में क्या करना है जल्दी जिन सम्यक अर्थ की भावना भाना है कि नहीं भाना देखो ये सूत्र पढ़ते हैं बहुत अच्छे देखो देखो अर्थ पढ़ते हैं अर्थ क्या लिखा है यहाँ पढ़ो अच्छा आपको आनंद आएगा हे भव जी जिनेन्द्र परमात्मा ने इन जो जिनेद परमात्मा के जो शुद्ध वचन है इनको स्वीकार करो क्योंकि इनको स्वीकार करने पर वीतराग पद प्रकट होता है वह जिन स्वभाव ही अपना परम पद है जिनवाणी में कहे अक्षर स्वर पद और इन शब्दों के अर्थ से अपने प्रयोजन स्वरूप में रमणता सहज प्रकट होती है भगवान क्या करो वीतरागता स्वरूप अपना स्वभाव ही अक्षय पद है यही अक्षर है जिन स्वभाव में रमण करने स्वर है और अपने शुद्धात्म स्वभाव से अवेद होके केवल ज्ञान में पद शुद्ध विज्ञान को जानना ही वास्तव में वीतराग विज्ञान है अरे जिनवाणी में कहेगा पदों और शब्दों के अर्थ को ग्रहण करना यह अपना वीतराग जिन स्वरूप है कहां लगे हो जीवात्मा क्या कर रहे हो अपना जिन स्व समय परमात्मा स्वपद यही वीतरागतमय है क्या करो ऐसे जिन स्वभाव को इन शब्दों के माध्यम से प्रकट करो इनके माध्यम से अपने जिन स्वभाव की दृष्टि दृष्टि जमाओ सुभाव की चर्या करो अर्च, अर्चना चर्चा जो कुछ भी करना है अपने सुभाव की करो यह अपना शुद्ध स्व समय परमात्मा है अब इसी को अपनी दृष्टि में देखो वीतराग स्वभाव रूपी परिणति बनाओ प्रमाण सम्यक ज्ञान का आशय लेकर ले इसी शुद्ध स्वभाव में रमण करो हे भव्य आत्मा हे साधक अपने वीतराग ज्ञान में पिंड जिन स्वभाव का गुणानुवाद करो इसी की महिमा गाओ इसी शुद्धात्मा की चर्चा करो यही वस्तु स्वरूप को कहो और ऐसे ही सहित जिन स्वभाव का सहकार करो तो सहज सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा लिखा कैसा लग रहा है भगवान जी फील गुड क्या फील वेट अभी भी ऐसी भावना आ रही है कि भैया वो नियम व्रत करने वाले हमसे अच्छे या फिर ये सम्यक दर्शन सहित ज्ञान सहित वस्तु स्वभाव को जान के सदाचारी जीवन बिताने वाले वो से अच्छे मोक्ष मार्गी किसकी महिमा है सम्यक्त की या क्रिया की भैया आप तो कंफ्यूज कर देते हो अरे किसी ने पूरी चर्चा सुनी शुरू से तो हमने बहुत अच्छे से स्पष्ट करके बताया भैया आज संसारी जीव जिन क्रियाओं में भ्रमित हो रहा है आज बाहरी जिन प्रपंचों को देख के ध्यान नाना प्रकार के ध्यान लोग एक साथ सब जगह तो आत्मा की बात होती है ऐसे ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी मिलते हैं हमें जिन ज्ञानियों की बात कही ना जाए सब जगह भैया जी बीतरा मत को छोड़ के कह रहे सब जगह ज्ञान मिलता है सब जगह ध्यान मिलता है सब जगह जाना चाहिए सब जगह सुनना चाहिए सब जगह समझना चाहिए ज्ञान जहां से मिले ले लेना ले 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 चाहिए भैया ज्ञान जहां से मिले प्राप्त करना चाहिए भैया ज्ञान संज्ञा मिलती है सम्यक ज्ञान को ज्योतिष के पास जाओ पंडित के पास हाँ बोलिए मैं ये बोल रही थी कि जब तक सम्यक्त नहीं होता तो जो क्रियाएं होती वो बाल तप में आती है सम्यक के बाद करनी नहीं पड़ती उपास या करना नहीं पड़ता कोई क्रिया वो ऑटोमेटिक होती है वो तो सब ज्ञान वो तो सब सुभा है वो उपसुभाचरण नियम से मोक्ष मार्ग में सहकारी संयोग है पर जब तक सम्यक तो नहीं हुआ है तो क्या ये चीज सुख क्रियाएं भी बंद कर दें क्या फिर कहाँ जाएंगे पास यही तो सारी जीवन को तो जीना पड़ेगा ना यही तो यही तो यही तो कह रहा है भगवान जी सुख क्रियाओं का पक्ष रख के क्यों बैठे हो हमने करने पड़ा करा हाँ पढ़ना बात अगल है और शुभ भाव होना बात अगल है पढ़ना नहीं पड़ता जब तक सम,

नहीं कि बिल्कुल मतलब तो जब तक नहीं हो रहा तो तो बिल्कुल फुल्ली छूट है कि कहीं भी जाओ कुछ भी खाओ कुछ भी पियो ये भी नहीं होना चाहिए, तो तो चाहिए। ये, ये बैठ के अपन चर्चा कर रहे हैं वो जीव सब अच्छा सब आध्यात्मिक जीव है और यहाँ अंतर की उस परिणति को चोट मारी जा रही है जितने भी जीव हैं यहाँ सदाचारी हैं उन जीवों को यहाँ चोट मारी जा रही है कि जिन बाहरी क्रियाओं में संतोष कर रहे हो और जिन जीवों की बाहरी क्रियाएं देख के तुम अपने आप को दीन मान रहे हो अपने आप में हीन भाव महसूस कर रहे हो जीव आत्मा उस अज्ञान बुद्धि को छोड़ो और अपने का बहुमान यहां, यहां सिर्फ यहाँ जितने भी जीव हैं उनके जीवन में सबके जीवन में क्योंकि यहाँ जो आते हैं सुबह सुबह आत्मज्ञान की गंगा में स्नान करने के लिए साठ सत्तर लोग वह वही जीव आते हैं अधिकतर नाइन्टी परसेंट जिनके जीवन में सदाचार भी है संयम भी है जिनके जीवन में रात्रि भोजन अवक्ष आदि का त्याग है अधिकतर क्योंकि नाइन्टी परसेंट लोगों को तो हम जानते हैं और दस परसेंट भर हो जिन्हें हम नहीं जानते मुश्किल से जो नए नए हैं उनकी छोड़ के बाकी अधिकतर जीव तो रात्रि भोजन तो छोड़ो अवक्ष तो छोड़ो इन सब चीज के त्यागी ही है उन जीवों को ठोकर मारी जा रही है तारायण स्वामी कह रहा है भगवान जी तुम्हारा ये त्याग माग भी कोई काम में नहीं आने वाला क्यों क्यों काम में नहीं आने वाला ये त्याग से हटो और अपना अपना उपयोग क्षय सम से भी हटाओ और अपना उपयोग आत्मा की स्वीकारता में लगाओ जिन भगवान के वचनों अनुसार आज्ञा आज्ञा अनुसार आचरण करो देखो देखो एक बात हम क्लियर कर दे जी, चारि, चारित्र की अपेक्षा ऐसा भी तो कहा जाता है कि जो भी अपना ज्ञान है या कुछ न, चारित्र है जो भी है तो सम्यक दर्शन होने पर तुरंत उसी समय ज्ञान और चारित्र दोनों सम्यक्त हो जाते हैं देखो 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 हाँ अब आप हमारी बात सुनो सम्यक दर्शन होते ही और हो जाते हैं। कौन से और जहां सम्य ज्ञान प्रकट होता है वहां ज्ञान नियम से अपने स्वभाव में चरण करता है सम्यक्ता तो चरण चारित्र प्रकट होता है वो अपेक्षा से चारित्र प्रकट होता है बाहर का बाहर की क्रियाएं सम्यक्त नहीं होती बाहर की क्रियाएं तो अपनी भूमि का अनुसार आचरण करने से सम्यक्त होती है आपने व्रत ले लिया और उसकी अनुसार आचरण नहीं कर रहा है और आप सम्यक दृष्टि है तो वो हमारा व्रत सम्यक्त हो जाएगा असाधन दोष लगेंगे अनर्थ अनर्थधन दोष लगेंगे मर्यादा से जी, बाहर उल्लंघन होगा तो थोड़े सम्यक्त हो जाएगा और वो सम्यक थोड़े खिलाए चारित्र थोड़ा खिलाएगा तो यहाँ हम आपको एक बात और क्लियर कर दें आज हम थोड़ा जल्दी छोड़ने वाले हैं आप लोगों को एक आखिरी बात कह के, के जिन भगवान के वचनों में जो आचरण करना है देखो देखो दो बातें हैं एक शुभ क्रिया कर रहा हूं व्रत कर रहा हूं तप कर रहा हूं दान कर रहा हूं आ, बाहर के परिणमन कर रहा हूं बाहर की क्रिया कर रहा हूं एक पने की मान्यता सहित करना करने का अज्ञान भाव पर, परिणाम और एक होता है कि जिन भगवान की आज्ञा अनुसार चल रहा हूं इसमें भी शुभ आचरण है देखो हम ये बात कई बार स्पष्ट कर चुके हैं लेकिन कर्तत्व बुद्धि बोलती है अपनी और अपने अंदर से संधि नहीं टूटती वो संधि तोड़ो एक कर्ता बुद्धि से भैया सुख तो करना ही पड़ेगा सुख की भूमिका में रहना ही पड़ेगा भैया अभी जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या तब तक ये सब करना छोड़ दें एक ये कर्तापने का जो एह, अपने को बोध बना रहता है ना ये कर्तापने का बोध अभी अपनी अज्ञानता को अपनी कर्ता बुद्धि को प्रकट करता क्योंकि यह मलक्ष्यों के लिए उपदेश नहीं है यह मलक्ष्य नहीं है यहाँ सब आत्मार्थी जीव है और एक होता है जिन आज्ञा के अनुसार परिणमन करना और जो जिन आज्ञा अनुसार परिणमन करता है ना वो भी अपेक्ष वो भी रात्रि रात्रिभुअन नहीं करता वो भी शुभ परिणाम में रहता है वो भी अवक्ष का सेवन नहीं करता वो भी अन्याय नीति नहीं करता वो भी वो भी व्रत धारण करता है लेकिन वो करता कुछ नहीं है क्योंकि वो जिन आज्ञा का पालन कर रहा है एक जिन आज्ञा का पालन है एक जनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करने वाला आत्मार्ती ज्ञानी जीव है सम्यक्ति जीव है वो भी वैसे ही परिणित हो रहा है और एक स्वाचरण को धर्म मानने वाला या स्वाचरण की पकड़ सहित व्रत आदि करने वाला वो भी वो भी भैया वो ही आचरण कर रहा है लेकिन एक के जीवन में कर्तत्व बुद्धि और अभिक्रियाओं का पक्ष है स्वाचरण का पक्ष है और एक के जीवन में सिर्फ जिनेद भगवान की आज्ञा है कि हमें पापों से बचना है अज्ञान में रति नहीं होना एक का जीवन सदाचार में जिन आज्ञा के कारण है और एक का जीवन सदाचार में मत के कारण है मान के कारण है कर्ता बुद्धि के कारण है या अपने को दोनों में भिन्न भिन्नता जाननी है दोनों को भिन्न भिन्न अनुभव करना है और भिन्न भिन्न अनुभव करके अपने को कर्ता बुद्धि वाले अज्ञान बुद्धि वाले मार्ग को त्यागना है और सम्यक बुद्धि वाले मार्ग को बनाना है तो इस बात पे विशेष प्रसार प्रकाश डालने के लिए हम डॉक्टर साहब को आमंत्रण देते हैं कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं क्योंकि वर्तमान में हमें कहीं निकलना है इसलिए हम